Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. Hello friends, welcome to Saptarishi's Astrology channel. I'm your host Mohit Binwal. In this video, we will going to talk about heart diseases, and we will check that how can we see heart diseases by using a horoscope by applying certain rules. And I will try to explain these rules in Hindi and English, both the languages. So let me share my screen. So to check the heart diseases in a horoscope, we have to check the sun and its position in a horoscope, because sun is the karaka of heart. To check whether a heart can give us a problem, we need to check the position of sun in a horoscope by applying certain rules. So how can we apply the rules? So the thing is, at least three of the rules should be applied in a chart. हमें ये देखना है कि कम से कम तीन रूल अप्लाई होने चाहिए चार्ट पे, और जितने ज्यादा ये रूल्स अप्लाई होंगे उतनी ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो रूल्स हैं ये व्यक्ति की आयु को निर्धारित नहीं करते हैं। दीज रूल्स डू नॉट डिटरमिन द लॉन्जिविटी ऑफ ए पर्सन। And the thing is that the more the rule applied in a horoscope, the more the problem will be. These rules cover heart attack and cardiac arrest. ये जो rules हैं ये heart attack और cardiac arrest दोनों को cover करती है. So let's check the rules. This is the first rule. The thing is that sun implement heart in a horoscope in fourth house from it. जो सूर्य है वह हृदय को अपने से चौथे भाव में स्थापित करता है, यानी कि जहां पर भी सूर्य बैठा हुआ है वहां उसके चौथे भाव को हमें देखना है कि वो अफ्लिक्टेड है या नहीं है. अगर सूर्य से चौथे भाव में राहु या केतु बैठे हुए हैं तो ये रूल अप्लाई होता है. ये रूल हमें लग्न चार्ट और नवांश दोनों में लगाना है. सो वी हैव टू चेक वेदर द नोड्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ फ्रॉम द सन और नॉट. इन केस इफ द फोर्थ हाउस फ्रॉम द सन हैज राहु और केतु प्लेस्ड इन इट, देन वी कैन से दैट दिस रूल इज एप्लीकेबल. फॉर एग्जाम्पल, सन इज प्लेस्ड इन नाइन्थ हाउस एंड राहु और केतु आर प्लेस्ड इन ट्वेल्थ हाउस, then you can say that this rule is applicable. उदाहरण के लिए अगर सूर्य नवम भाव में है और राहु और केतु बारहवें भाव में बैठे हुए हैं तो ये रूल अप्लाई होता है. ये जो रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये हाईली एप्लीकेबल रूल है. दिस रूल इज हाईली एप्लीकेबल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आई विल से इन दिस केस स्टडी. द सेकंड रूल इज दैट इफ सन इज कंजंक्ट विथ राहु और केतु, देन दिस सेकंड रूल विल बी एप्लीकेबल. दिस रूल शुड बी सीन इन D1 चार्ट एज वेल एज इन द D9 चार्ट. जो सेकंड रूल है वो कब अप्लाई होता है? जब सूर्य राहु और केतु के साथ युति में हो, लग्न चार्ट में भी या फिर नौमान चार्ट में भी, तब हम कह सकते हैं कि ये रूल अप्लाई होता है. थर्ड रूल देखते हैं. इन दिस रूल, सन इज सीवियरली अफ्लिक्टेड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्वेरियस, लिब्रा और स्कॉर्पियो साइन इन D1 एंड D9.
In case if sun is Virgottam, then we can say that the problem is more severe. We have to check that if in case this rule will also be applicable in case if sun is placed in Libra and D1 and in Scorpio and D9. So basically we have to check the permutation combination of these signs in D1 and D9. हमें ये देखना है कि क्या सूर्य कुंभ तुला या वृश्चिक राशि में है, लग्न चार्ट में और नवांश चार्ट में. अगर है तो ये रूल अप्लाई होता है. अगर सूर्य वर्गोत्तम है इन राशियों में तब यह प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी. यानी कि सूर्य अगर तुला में है लग्न चार्ट में और वृश्चिक में है नवांश चार्ट में. सो इन दिस रूल वी हैव टू चेक दैट वेदर द सन इज कंजंक्ट फ्रॉम द सिक्स लॉर्ड फ्रॉम इट. यानी कि सूर्य अगर अपने से छठे भाव के स्वामी के साथ युति बना रहा है तो ये रूल अप्लाई होगा. We have to check that if the sixth lord is Saturn, then the problem will be more severe because Saturn is malefic for the sun in this case naturally as well as functionally. अगर सूर्य से छठेश अगर शनि है और उस केस में अगर सूर्य और शनि की युति होती है तो ये रूल ज्यादा अप्लीकेबल होगा. As we know that sun rules the Leo sign and the sixth lord and seventh lord from the Leo sign is Saturn. So Saturn can give diseases as well as Saturn will act as a marker for sun. शनि जो होता है वह सूर्य से छठेश का भी स्वामी होता है और सप्तमेश का भी स्वामी होता है. यानी कि सूर्य के लिए शनि रोगेश भी है और मार्केश भी है. ये मैं नेचुरल हॉरोस्कोप से बता रहा हूँ. सो इन केस इफ सैटर्न इज कंबाइन विद सन देन दिस रूल विल बी एप्लीकेबल. एंड वी हैव टू चेक दैट इफ सैटर्न एंड सन आर कंजंक्ट इन D9 and expect in D1. So basically we have to check conjunction and aspect of sun with Saturn in D1 and conjunction only in D9 in Saturn. हमें ये चेक करना है कि सूर्य और शनि की युति हो रही है दृष्टि में है D1 में लग्न चार्ट में और सूर्य और शनि का कंजंक्शन है D9 चार्ट में, तब ये रूल अप्लाई होता है. ये रूल बहुत ज्यादा सीवियर रिजल्ट देगा अगर शनि की युति राहु और केतु के साथ है. दिस रूल विल गिव सीवियर रिजल्ट इफ इन केस सैटर्न इज कंजंक्ट विथ राहु और केतु. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल. सो वी आर डन विथ the rules which are for sun and now we will check the rules for the fourth house. So as we all know that the fourth house is responsible for the location of heart in our body, so basically we have to check the affliction of fourth house. हमें जानते हैं कि चौथे भाव से हम हृदय स्थान भी देखते हैं, तो हमें ये देखना है कि चौथे भाव में अगर पाप प्रभाव है तो ये रूल अप्लाई होता है. सो इन केस इफ सिक्स लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द सिक्स्थ हाउस देन दिस रूल विल बी एप्लीकेबल. एंड इन केस इफ दे आर इन कंजंक्शन ऑल्सो देन दिस रूल विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल. हमें देखना है कि चौथे भाव का स्वामी अगर छठे में है और अगर छठे भाव का स्वामी चौथे में है तो ये रूल अप्लाई होगा.
और अगर दोनों की युति हो रही है तो भी ये रूल अप्लाई होगा। हमें ये देखना है कि फोर्थ हाउस में जो पद लग्न है छठे भाव का और अष्टम भाव का, क्या वो फोर्थ हाउस में गिर रहा है। इट मींस वी हैव टू चेक दैट रूल ऑफ सिक्स्थ हाउस एंड एट्थ हाउस इज फॉलिंग इन द फोर्थ हाउस, देन दिस रूल विल बी एप्लीकेबल। And there is another rule for the fourth house. If Rahu or Ketu is placed in a fourth house from the Lagna, then it will give it can, then this rule will be applicable, and it can give affliction to the heart. So now we will check the nakshatra rule, star rule. So in case if Sun is placed in nakshatra of Rahu, then this rule will be applicable. We know that Rahu has three of his star, and we have already covered two of his star in our sign rule. So here only we are applicable, this rule is applicable for the Adra Nakshatra. This rule is very important. So I will try to explain this rule by using some example. So in this example we can say that Saturn and Ketu is placed in the fourth house from the Sun and also expecting the fourth lord. इस कुंडली में जैसा कि हम देख पा रहे हैं सूर्य से चौथे भाव में शनि और केतु विराजमान है, और शनि और केतु फोर्थ लॉर्ड को भी देख रहे हैं। सूर्य बुध के साथ युति बनाए हुए है जो कि सूर्य से छठे भाव का स्वामी है, और यहां पर पद लग्न जो कि अष्टम भाव का वो फोर्थ हाउस में विराजमान है। दूसरा चार्ट लेते हैं। Here we can see that Sun is placed in Scorpio sign and it is expected by Saturn and Rahu. The fourth lord is conjunct with is combust due to Sun and the conjunction of fourth and sixth lord. It means Mercury and Sun are conjunct in the ninth house. In case if these rules are applicable for Sun as well as for the fourth house, then we can say that there are high chances of heart problem in horoscope. अगर ये जो rules हैं ये सूर्य के लिए और fourth house दोनों के लिए applicable होते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि horoscope के अंदर heart problem के high chance हैं। तो इन rules को समझने के लिए हम कुछ example charts देखेंगे। तो जैसा कि हम इस एग्जांपल चार्ट में देख पा रहे हैं, सूर्य से फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है और सैटर्न भी उसके साथ में है, शनि भी उसके साथ में है जो कि अपनी दसवीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, और सूर्य यहाँ शनि और केतु की युति यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड को भी अपनी तीसरी दृष्टि से देख रही है, और जो सूर्य से छठे यानी कि सूर्य से छठा यानी कि बुध और सूर्य की यहाँ पर युति हो रही है, और यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं कि जो अष्टम भाव का पद लग्न है वो भी चौथे भाव में पड़ रहा है,
क्योंकि मंगल यहाँ पर पंचम से पंचम, अगर हम देखें पद लग्न निकाले, यानी कि मंगल यहाँ से अपने से पांचवा है और उससे पांचवा यानी कि चौथा भाव। तो सूर्य और केतु के कारण यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सूर्य जो है वो हाईली अफ्लिक्टेड है और सूर्य के साथ बुध की युति भी हो रही है और फोर्थ हाउस भी यहाँ पर काफी अफ्लिक्टेड है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में हम देखते हैं कि सूर्य वृश्चिक राशि में है और सूर्य जो है वो शनि और राहु के द्वारा दृष्ट है और सूर्य जो है जो चौथे भाव का स्वामी है बुध, वह कंबस्ट है और जो चौथा भाव है और जो छठा भाव है उन दोनों का कंजंक्शन हो रहा है नाइन्थ हाउस में, यानी कि बुध और सूर्य का कंजंक्शन हो रहा है नाइन्थ हाउस में। नेक्स्ट चार्ट लेते हैं। इस चार्ट में सूर्य से चौथे भाव में राहु है और सूर्य से चौथे भाव में केतु है D9 में और सूर्य जो है वह वृश्चिक राशि में है लग्न चार्ट में और जो चौथा भाव है वहां पर मीन राशि है, उसका स्वामी गुरु नीच का है। दूसरा चार्ट लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य जो है वह वृश्चिक राशि में है और नवांश में भी वह सूर्य वृश्चिक राशि में है, यानी कि सूर्य वर्गोत्तम है। सूर्य जो है वह अपने से छठे भाव का स्वामी यानी कि मंगल के साथ युति में है और सूर्य के से जो नवम भाव है नवांश कुंडली में वहां पर केतु विराजमान है और सूर्य जो है वह राहु केतु एक्सिस में है लग्न चार्ट में और सूर्य के साथ शनि भी विराजमान है। तो जैसा ये चार्ट जो है बहुत ज्यादा सीवियरली अफ्लिक्टेड है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में सूर्य से चौथे भाव में केतु विराजमान है और नवांश कुंडली में सूर्य से चौथे भाव में भी केतु विराजमान है। सूर्य से अगर छठे सूर्य जो है वह छठे भाव का स्वामी जो है शनि उससे दृष्ट है। सूर्य जो है वह तुला में है नवांश कुंडली में। जो चौथे भाव का स्वामी है वह रेट्रो के फोर्थ हाउस में ही है लेकिन राहु से एक्सपेक्टेड है। और जो सूर्य से छठे भाव का स्वामी है यानी कि मंगल वह सूर्य को देख रहा है। नेक्स्ट चार्ट लेते हैं। सूर्य जो है वह छठे भाव के स्वामी जो कि शनि है उससे दृष्ट है और सूर्य कुंभ राशि में भी विराजमान है और जो सूर्य से चौथा भाव है उसमें राहु विराजमान है और जो छठे भाव का स्वामी है वह चौथे भाव में बैठा हुआ है यानी कि शनि और शनि और सूर्य की युति हो रही है चौथे भाव में नवांश कुंडली में। नेक्स्ट चार्ट लेते हैं। इस कुंडली में सूर्य से चौथे भाव में केतु विराजमान है और चौथे भाव के अंदर हम देखते हैं तो वहां राहु बैठा हुआ है। सूर्य इस कुंडली में तुला राशि में है और वो भी शनि के साथ कंजंक्ट है। हर प्रॉब्लम के लिए जो रेमेडीज शास्त्रों में दी गई हैं वो आदित्य हृदय स्त्रोत है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इन केस इफ समवन इज हैव दीज योगास इन हिज होरोस्कोप देन ही कैन परफॉर्म द रेमेडी ऑफ आदित्य हृदय स्त्रोत एज प्रिस्क्राइब्ड इन अवर शास्त्रास।
So that's it from my side. Thank you.